वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल कमीर अकेडमी। माय नेम इज सिमरनजोत सिंह एंड आई एम टीचिंग यू मैथ्स। ऑलरेडी तुसीं जानदे हो आपां कर रहे हां क्लास 8 दा मैथ सॉल्व। गीता विहार दी बुक है, मैथ्स मेट भी कहिंदे आ इहनूं, मधुबन पब्लीकेशन दे वल्लों। अज दी जिहड़ी वीडियो आपां बनाउण जा रहे हां दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। सो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करदे होए लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज़ वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शेयर यू द स्क्रीनशॉट्स। पहला स्क्रीनशॉट देख लो। स्क्रीनशॉट तुसीं देख ले होणगे हुण इहदे रिलेटेड आपां अज की पढ़ना है। इहदे स्क्रीनशॉट दे विच तुहानूं क्लीयरली दिखदा ते सारा कुछ पिया वी की करना, बट उह करना किद्दां, आइडेंटिटीज किवें आईआं, किद्दां आईआं, दैट आई विल एक्सप्लेन। सो लैट्स स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अपने कोल ना आइडेंटिटीज तां बहुत ज़्यादा ने अलजेब्रा दे रिलेटेड, बट आपां इहदे विच चार आइडेंटिटीज करनी। बेसिकली मेन उच्च पंज दित्तियां होईआं ने, बट पंजवीं दा कोई मीनिंग नहीं बनदा। आपां चार ही मेन जिहड़ियां हैगियां ने उह करनियां ने, पंजवीं उहदे विचों ही निकलदी चौथी वाली चों। सो आपां उह करांगे वी आईआं किद्दां। फर्स्ट आइडेंटिटी जिहड़ी आपणी उह हुंदी है ए प्लस बी होल स्क्वायर, उह हुंदी है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए बी दे जगह ते एक्स वाई वी दिंदे हुंदे कई वारी, जो मर्जी हो सकदा है। ते किद्दां होणगीआं चीज़ां तुहानूं दस्सूंगा सम दे विच। ओके, ए प्लस बी होल स्क्वायर दा मतलब की है, ए जिहड़ी वी चीज़ दे उत्ते स्क्वायर पिया होणा, मतलब की दो वारी मल्टीप्लाई हुंदी, ए प्लस बी इन टू ए प्लस बी हो रहा है। ठीक है, सो लैट्स डू इट। ए प्लस बी होल स्क्वेयर असल च इहदा मीनिंग की है, ए प्लस बी इन टू ए प्लस बी। सो आपां नूं ऑलरेडी मल्टीप्लाई करना तो आउंदा ही है। आपां वैसे आइडेंटिटी प्रूव करनी है, मैं बॉक्स लिख लैना क्योंकि यही एंड ते अपनी बन जाणी। ओके, ए प्लस बी नूं मल्टीप्लाई कीता ए प्लस बी नाल, ऑलरेडी तुहानूं पता ए नूं ए नाल करदे आ ए स्क्वेयर बनदा है, ए नूं बी नाल करदे आ ए वी बनदा है, फिर बी नूं ए नाल करदे आ ए वी बनदा है, बी नूं बी ना करदे आ तां साडे कोल बी स्क्वेयर बनदा है। तुसीं ऑलरेडी जानदे हो वी आपां किद्दां मल्टीप्लाई करदे आ। तुसीं एक स्टैप जिहड़ा मैं स्किप कर रहा उह वाला तुसीं यूज करके ते फिर कर सकदे हो। ठीक है, मतलब जित आपां ए इंटू ए प्लस बी बी वी इंटू ए प्लस बी लिख दिंदे आ, उह स्टैप मैं स्किप कर रहा। देखो दोनों ए बी सेम टर्म्स ने, लाइक टर्म्स ने, दे विल बी एडेड। वन ए बी बिकम्स टू ए बी, सो आई विल गैट ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर। इसे तरीके दे नाल साडी जिहड़ी सैकेंड आइडेंटिटी है उह है ए माइनस बी होल स्केयर। ठीक है, मैं तुम्हें ऑलरेडी दसिया ए ते बी की जगह पर कुछ भी आ सकता है, एक्स वाई जैड है ना, जो मर्जी आप लिख सकते हैं कोई भी वैरिएबल। ए होंगी है ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर, ए भी उदा ही सॉल्व करा, बहुत ईजी ने। ए प्लस बी ए माइनस बी होल स्केयर का मतलब की है, आ मतलब अस पास सॉल्व आ करनी है, मैं बॉक्स ऑलरेडी पा देना। ठीक है, अगेन मल्टीप्लाई ए इंटू ए बिकम्स ए स्केयर, ए इंटू माइनस बी बिकम्स माइनस ए बी, माइनस बी इंटू ए बिकम्स अगेन माइनस ए बी, माइनस बी इंटू माइनस बी बिकम्स पॉजिटिव बी स्केयर। माइनस माइनस प्लस होंगे ना, दो ए बी ने माइनस माइनस दे एड हो गए माइनस टू ए बी बन जाएगा। सो यू विल गैट दिस, ये चीज़ के बराबर आ गई जो असल असं प्रूव करना चाहते थे। ओके, इस तरीके साढ़े को अगली आइडेंटिटी है, उस है ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी, ये होंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर के बराबर। ओके, सो ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी आप करा मल्टीप्लाई। सो आ चीज़ जो मल्टीप्लाई करा की बनेगी, इक्वल टू तो राइट हैंड साइड लिख रहा मैं, ए इंटू ए बिकम्स ए स्केयर, ए इंटू माइनस बी बिकम्स माइनस ए बी, पॉजिटिव बी इंटू पॉजिटिव ए बिकम्स पॉजिटिव ए बी, प्लस बी इंटू माइनस बी प्लस माइनस माइनस बी स्केयर। सो आ कटे गए साढ़े को बचिया ए स्केयर माइनस बी स्केयर। सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बिकम्स ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा पहला पहली टर्म ए प्लस बी दूजी ए माइनस बी हो, कुछ नहीं लिखा, मतलब मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, ए माइनस बी पहला तो ए प्लस बी बाद भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो ये कदम नहीं कंफ्यूज होना कि आइडेंटिटी से सू ए प्लस बी पहला लिखाया गया सी, पर जो क्वेश्चन के लिए कि नैगेटिव वाली टर्म पहला पॉजिटिव वाली बाद, कोई फर्क नहीं है, आइडेंटिटी यही लग रही है। पहली पहली टर्म बराबर होनी चाहिए, दूजी दूजी बराबर होनी चाहिए, बिच प्लस से माइनस के साइन का फर्क होना चाहिए, वो यही आइडेंटिटी बनेगी। आप आइडेंटिफाई कितना करना है, ए माइनस बी होल स्केयर, ए माइनस बी का स्केयर पिया होगा कि आप उदा, मतलब कि इदा की कोई टर्म होगी, एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें जल्दी क्लीयर होगा।
तो आपा आज ही प्रूव करनी सी होगी प्रूव। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ आइडेंटिटी। ए हुंदी है x plus a into x plus b, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा है, छोटा कर देना क्योंकि आइडेंटिटी पूरी नहीं आनी। ओके x into x, पहला आइडेंटिटी लिख दें, चलो आइडेंटिटी की है, आइडेंटिटी है, ठीक है। हमें प्रूव करनी है, ठीक है, इन आप सॉल्व करांगे। x plus a into x plus b will become x into x becomes x square, x into b becomes bx, x into a becomes ax, a into b becomes ab। देखो दोनों एक्स कॉमन है, कॉमन है जी चीज आप कटते हैं, चाहे वो राइट हैंड साइड लिखे चाहे लेफ्ट हैंड साइड से, मल्टीपल होनी चाहिए बस, लिखी कहे पास है, दैट डजंट मैटर। ओके मैं चाहवा तो एक्स इधर भी लिख सकता कॉमन कट के, ठीक है, या फिर मैं इधर लिख दिया, एक ही गल है, कोई फर्क नहीं पैंता, ठीक है। मतलब ये जी एक टर्म है ना वो ही रहना चाहिए, एक्स मैं एक प्लस तो परले पास नहीं लिख सकता, इधर प्लस तो पहले नहीं लिख सकता, ए पहले प्लस तो दूजे प्लस के बीच में एक्स मैं इधर ना मल्टीपल इधर लिख दिया भावे इधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पैंता, ठीक है। हुण देखो ए प्लस बी है, ठीक है, चाहे मैं ए प्लस बी लिखा ने, चाहे बी प्लस ए लिखा, अगे पिछे लिख सकते आइडेंटिटी आप वर्गी बनानी है, सो ये आ गई अपनी फोर्थ आइडेंटिटी, ठीक है। इस सारी आइडेंटिटीज क्वेश्चन जोड़ा है अगे वही क्लास भी तुम कम आने याद रखनी है, क्वेश्चन कितना भी आ सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन थ्रू द एग्जाम्पल्स, ये किनू की कहें नोट डाउन कर लो, जी इदा होंगी ना ए प्लस बी इन टू ए प्लस बी, जिम्मे ए प्लस बी होल स्केयर है, इन कहते हैं फैक्टराइज फॉर्म, जी एक्सपेंडेड फॉर्म होंगी ना दिस कॉल्ड, मतलब कि जिद प्लस माइनस इदा साइंस हो दो तीन टर्म्स हो, एक्सपेंडेड फॉर्म, इस तरीके हैगी है फैक्टराइज आ एक्सपेंडेड आ फैक्टराइज, क्योंकि एक टर्म मल्टीप्लाई बाय दूसरी टर्म हो रही है पूरी ब्रैकेट वाली, तो इस करके ए फैक्टराइज है, वो वाली हैगी एक्सपेंडेड फॉर्म, ये फिर फैक्टराइज है, ये फिर एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है। इनू नोट डाउन कर लो, इनू लर्न कर लो, जी मैं डब्बे च पाई आइडेंटिटीज एज इट इज लर्न कर दी, तो इन्हों यूज कितना करना है वो एग्जाम्पल अगली जी तुम क्लीयर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट डाउन एंड लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स की ने अपने को एग्जाम्पल 17 है जी, और साढ़े को चारों आइडेंटिटीज किमें यूज कर दिया ने अपने को चारों सम है, तो लैट्स डू इट। सब तो पहला साढ़े को है ए पार्ट है जो एक्स प्लस थ्री इन टू एक्स प्लस थ्री कह रहे हैं। ओके हूँ देखो मैं तुम शायद ऑलरेडी एक्सपोनेंट्स बारे थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, मैं तो बेसिस आर सेम, दोनों सेम टर्म्स ने एंड दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड, सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, एक्स प्लस थ्री होल स्केयर लिख सकते हैं, एक कैडी आइडेंटिटी है ए प्लस बी होल स्केयर वाली, आइडेंटिफाई करना अपना, ठीक है, तुम्हें आना चाहिए, फिर इतने लिखनी कैडी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, यूजिंग कैडी आइडेंटिटी यूज कर रहे लिखना जरूरी है, तुम कर रहे हो ए प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर, ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हो। इतने तुम्हारा ए की है, यदि पहली टर्म में यदि पहली टर्म में कंपेयर करो, ए की है तुम्हारा एक्स, सो हेयर ए इज इक्वल टू एक्स, तो यदि दूजी टर्म से दूजी टर्म कंपेयर करो, बिच प्लस का साइन है तो सू पता लगे भी प्लस वाली आइडेंटिटी है, दूजी टर्म की है बी दैट इज ता थ्री है, तो सो रिपोर्ट कर दी, सो वी गैट जिथे जिथे ए है उत्थे एक्स, जिथे जिथे बी है उत्थे थ्री, ए वाली आइडेंटिटी पुट कर लेना। बिच कुछ नहीं ना है इन्होंने मल्टी और मतलब मल्टीप्लाई होंगे, एक्स का स्केयर एक्स ही रहेगा, थ्री टू सर सिक्स एक्स बन जाना इन्हें, थ्री 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 का स्केयर नाइन बन गया, सो दिस इज आर आंसर, ठीक है। इस तरीके आप बी पार्ट करा हम, बी पार्ट के आइडेंटिटी लग रही है, पहला तो वो आइडेंटिफाई करा आप, देखो दोनों टर्म्स सेम ने, दे आर बी मल्टीप्लाइड, तो मैं की लिख सकता
2x minus 5y the whole square. ऐसा बोली था ना 2x minus 5y होल स्क्वायर मतलब इधर जो अपर टर्म बोली था सारे था स्क्वायर इधर केडी डेंटिटी लग रही a minus b होल स्क्वायर वाली डेंटिटी लग रही है इधर तेरा a की है क्योंकि जो तो आइडेंटिटी था डी उधर ना मैच कर दी है बिल्कुल टर्म देना देन आपा a की वैल्यू जो है कि है अब फर्स्ट वाली वही लेनी है चलो ये तक पता लग ही गया और देखो नेगेटिव साइन आइडेंटिटी के नाल मैच कर रहे हैं सो दैट मींस आपा b की वैल्यू कल ही 5y लवांगे कई बच्चे की करते हैं b की वैल्यू -5y ले लेंगे जो तो तुम्हारी आइडेंटिटी के नाल साइन मैच कर रहा है इथे भी माइनस है इथे भी माइनस है देन तुसी जेड़ा अगला वेरिएबल है उदी वैल्यू विदाउट साइन जेड़ी मतलब के माइनस साइन तो बिना लेनी है 5y लेनी है उनकी तो पुट कर देंगे सो वी गेट 2x minus 5y दा whole square is equal to इतने बच्चे गलती कर दिए 2x square लिखने लगे ऐसा लिख देंगे कला अपना a दी value 2x ता लिख दी थी square की तरह कला x दा square लिख देंगे इतने पता क्यों लिखता कले 2x दा square हो गया but आपना की है साड़ी a दी value की है पूरी 2x से उधर square है so bracket पानी जरूरी है जो अपने को एक variable तो ज्यादा नाल कोई coefficient भी हो गए होते तो आपना की करना bracket पाके value लिखनी है वाई वाई है ना इतने भी क्योंकि अपने को कल्ला वाई नहीं फाइव वाई है उधर फिर ब्रैकेट पाके लिखेंगे अपना स्क्वायर उन्हें तो देखो इधर ब्रैकेट पाना मतलब क्या है वी टू एक्स इज बीइंग मल्टीप्लाई टू टाइम्स माइनस आगे करो फाइव टू द टेन टेन टू द ट्वेंटी ट्वेंटी एक्स वाई प्लस फाइव वाई भी दो बारी मल्टीप्लाई हो रहा है ये मैं सिर्फ फोन करके दिखा रहा अगे तुम हौली हौली पता लग जाना है कि फाइव वाई दस स्क्वायर मतलब फाइव का भी स्क्वायर करना वाई का भी स्क्वायर करना ये तो इतना अलग तो एक स्टेप से लिखने की जरूरत नहीं मैंने सीधा आंसर कर दिया करूंगी टू टू जार फोर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एक्स वाई फाइव फाइव जार ट्वेंटी फाइव वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर सो दिस इज आर आंसर ओके इसे तरीके के नाल आपां सी पार्ट करांगे एंड ते तुसीं सारा स्क्रीनशॉट ले लियो मैंने एक बार चारों पार्ट्स कर लें दो इट बिकम्स एक्स माइनस वाई फाइव एक्स प्लस फाइव पहली पहली टर्म सेम दूजी दूजी टर्म सेम पिछले साइंस का फर्क है केड़ी आइडेंटिटी है थर्ड ओले विच आपा आइडेंटिटी एदा लिखया सी मैं तुम दसया सी ना कोई फर्क नहीं पैंदा कि तुसी प्लस वाली टर्म पहला लिख रहे हो कि माइनस वाली टर्म पहला लिख रहे हो तुसी एदा भी लिख सकदे हो तां भी एदा आंसर यही रहेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कोई फर्क नहीं पैंदा भी आपा प्लस वाली टर्म पहला लिख रहे हैं कि माइनस वाली टर्म पहला लिख रहे हैं ओके मल्टीप्लाई होने चाहिए दोनों आपस में आंसर उन्होंने यही आएगा ठीक करो हूँ ए इतने ए की है पहली टर्म दैट इज एंड बी इज फाइव अगेन मैं तुम दसिया साइन के ना साइन मैच हो रहा था आप बी की वैल्यू विदाउट साइन चकनी है आइडेंटिटी के जो साइन मैच हों सो साढ़े को आ गया x स्क्वायर 5 का स्क्वायर क्यों है 25x का स्क्वायर था x स्क्वायर इन्हें सो दिस इज आवर आंसर कई बच्चे की करते ने इन्हें इकट्ठा करके लेते हैं विदाउट साइन विच इदा नहीं हो सकता लाइक टर्म्स आर एडेड और सबट्रैक्टेड बाकी जे नहीं होंदी तो इदी लिख देने होने हैं सो इदी रहेगा ये लास्ट पार्ट है डी पार्ट इदे विच केडी आइडेंटिटी लग रही है वो भी तुम्हें पता लग जाएगा सो वी हैव 2x + 7 2x + जी एक मैं तुम्हें फिफ्थ आइडेंटिटी नहीं लिखवाई थी कारण की है ना ना लिखवाने का तुम स्क्रीनशॉट के विच होएगी पर लोड़ नहीं कोई क्योंकि ना आही आइडेंटिटी जी इतने लानी है ना उही काम आ जानी है बस आप साइन के अकॉर्डिंगली चक लीजा बस कोई फर्क नहीं पैदा ठीक है तो देखो पहला इतने की है को पहली पहली टर्म सेम दूजी दूजी वक्री सो कदों होंगे जो आइडेंटिटी कि होंगी है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली पहली टर्म सेम है एक्स एक्स है दूजी टर्म ए है दूजी टर्म इन्होंने दोनों की एक की ए एक की बी है फर्क सो आइडेंटिटी फिर इदा पता लग जाता यूज हो रही है सो आइडेंटिटी की है दिस इज द आइडेंटिटी पर जिथे जिथे एक्स है एक्स की है अपना पहला देख लो हेयर एक्स की है पहली टर्म दोनों जी मर्जी लिख दो सेम ही है एक्स टू एक्स ए की है तो ए की पहली टर्म दैट इज सैवन
अच्छा जे नैगेटिव सैवन होंगे तो माइनस सैवन लेना सी क्योंकि अपने फॉर्मूले दे विच पॉजिटिव है जिथे ऑपोजिट साइन है दैट मीनस फिर मैं साइन नाल चकना सी उहदा माइनस सैवन लेना लैंदा जिथे माइनस सैवन होंगे इसे करके मैं तुम्हें कह रहा लास्ट एंट्री का कोई मतलब नहीं बनता कोई भी एक नैगेटिव साइन होएगा आप वैल्यू नैगेटिव ना लिखना नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता तो अपने को की आ जाएगा टू एक्स प्लस सैवन इंटू टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स की अपना टू एक्स के वही ब्रैकेट पा के लिखना क्योंकि अपनी सिंगल टर्म नहीं है एक्स है ना प्लस ए की है सैवन बी की है थ्री फिर अगर एक्स की है टू एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो डॉट पा दो चाहे मल्टीप्लाई पा दो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक एक ही गल है अगे सैवन इंटू थ्री मतलब कि ए दे भी वैल्यूज देख दी मैं हूँ सीधा करा अलग अलग जिम्मे आप इतने किया टू एक्स में दो बार लिखा थी उदा नहीं करा डायरेक्ट टू का स्केयर फोर एक्स का स्केयर एक्स स्केयर मतलब कि स्केयर जो पिया हो मल्टीप्लीकेशन वाली टर्म का जिम्मे टू के एक्स आपस मल्टीप्लाई ने इन दोनों से कट्ठा स्केयर पे है दैट मीन दोनों का आपको अपना स्केयर होना है यदा स्केयर भी करा यदा भी करा कई बच्चे की करते हैं जिम्मे आज आइडेंटिटी बनाने लगे ना जिम्मे इतने स्केयर पे है तो कला ए स्केयर प्लस बी स्केयर कर देंगे ए का स्केयर अलग बी का स्केयर अलग कर देंगे बच्चे जो प्लस है या माइनस है तो आइडेंटिटी पर्टिकुलर दिखती गई है सू यूज करनी है ठीक है इतने कंफ्यूज नहीं होना कि इतने कर लगे आप कल कल का स्केयर करके लिख दीदा क्योंकि ये मल्टीप्लाई ने उदा भी आप करके देखे इतने ही आ रहा है फोर एक्स स्केयर ही आ रहा है ठीक है सैवन प्लस थ्री बिकम्स एन नाल की मल्टीप्लाई टू एक्स सैवन थ्री का ट्वेंटी वन है हम मल्टीप्लाई भी कर दो ट्वेंटी एक्स प्लस का ट्वेंटी वन सो दिस इज आर आंसर सो यही सके जो अपने फोर सम्स जो कि सारी आइडेंटिटीज कवर कर रहे हैं इन्होंने नोट डाउन कर लो मैं थोड़ा साइड से ना स्क्रीनशॉट ले लो आई होप तुसी समझ गए होंगे आइडेंटिटीज किवें यूज हो रही हैं अगे सम्स होर करते हैं तुहानू होर चंगी तरह क्लीयर हो जाएगा ठीक है लेट्स मूव ऑन टू द नैक्सट एग्जाम्पल नाउ इस तरीके आप नैक्सट एग्जाम्पल वाल चलते हैं एग्जाम्पल एट ये जे पता लग लिया ऑलरेडी पहला तो आप स्केयर बनाए थे ना मल्टीप्लाई दिखाया से सानू पहला हूँ सीधा पता लग रहा ए प्लस बी होल स्केयर आइडेंटिटी लग रही है ठीक है तो उही आइडेंटिटी लानी है तुहाडा ए की है ए तो ए ही है बी की है बी तो चेंज हो गया थ्री बी आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्केयर वाली लगनी है दैट इज द फर्स्ट वन उ ए की वैल्यू ए ही रखनी है बी की वैल्यू थ्री बी लैनी है ये अपने आप करके देखो तो अपने आप क्लीयर होएगा कि इन्हू कि सॉल्व करना है इसे तरीके ए माइनस बी होल स्केयर वाली आइडेंटिटी लग रही ए तो सैवन एक्स है तो बी टू है ठीक है बिच माइनस साइन आइडेंटिटी मैच कर रहा है इस करके बी की वैल्यू कल टू लै रहे हैं इतने आकर थोड़ा जहाँ डाउट होंगे अच्छा एक चीज दसनी तुम रहेगी जिन्नी भी आइडेंटिटीज ने उन्होंने आप लैफ्ट टू राइट कन्वर्जन ते राइट टू लैफ्ट कन्वर्जन दोनों तरीके यूज कर सकते हैं हूँ आइडेंटिटी जी है ये असल च मैं दस लगती लगनी कि पहला वो दसदा आइडेंटिटी फिर यूज कितना कर रहे हैं वह भी तुम दसागा आप एक आइडेंटिटी की थी ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी वो कि बराबर थी इट वॉज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर वो आप दूजी साइड लिख देते है ना हूँ आप उल्ट यूज करना ए स्केयर माइनस बी स्केयर तो आप बनाना है ठीक है साढ़े को ना एक्सपेंडेड फॉर्म चंड किया सर ठीक है हूँ आप करना है ऑलरेडी साढ़े को इदा है हालांकि ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म च ही है बट उन्होंने जिम्मे सू दिता है आप दूसरे फॉर्मे कन्वर्ट करना है इदा के फॉर्म च कन्वर्ट करना है वास्ते की है सू इत भी स्क्वेयर वाली टर्म चाहिए होंगी है तो ही ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली आइडेंटिटी बनेगी बट इतने की है कला 49 है 49 सानू पता ना आप स्क्वेयर वाला चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं फिर 49 कि स्केयर है सैवन का सो आई कैन राइट इट लाइक दिस सैवन स्क्वेयर ये तो सू डायरेक्ट पता से तो हो गया अदरवाइज जो ना पता हो तो की करीदा होंगे जो सू पता भी आइडेंटिटी उ लगनी है चैक करने वास्ते भी आ भी किसी चीज़ का स्क्वेयर है कि नहीं इतने तो सू पता से बाई चांस ना पता हो करीदा जी भी टर्म दी है वह स्केयर रूट कर दो तो जेकर स्केयर रूट कुछ आ रहा है तो दैट मीनस उ इतने आप लिख देना फिर ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन जाएगी यदा स्केयर रूट की होंगे सैवन मतलब कि आप सैवन का स्केयर लिखना ओके इतने आइडेंटिटी लग रही पता ए की है तो सैवन है क्योंकि ए का स्केयर सैवन का स्केयर मैच देखो स्केयर नहीं देखना ए की वैल्यू में देखना कितना मैच कर रही है सैवन बी की वैल्यू कितना मैच कर रही है वाई सो साढ़े को आ गया सैवन स्क्वेयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू सैवन प्लस वाई इन टू सैवन माइनस वाई सो ए वाली एग्जाम्पल जी है सी पार्ट माड़ा जहाँ दसने की लड़ सी बाकी तो तुम ईजीली ऑलरेडी जानते हो कि करनी है ठीक है इस तरीके नैक्सट एग्जाम्पल से चलते हैं वो की करना है कि करना है अपने को सम्स जो किस तरह के आई विल एक्सप्लेन इन नोट डाउन कर लो सब तो चलिए फिर नैक्सट एग्जाम्पल दैट इज आर 18th एग्जाम्पल सॉरी 19th एग्जाम्पल ए पार्ट है जो पहला ही पार्ट इन्होंने वैसे मैं तुम दसदा मैं तुम सही करवा लगा इन्हें गलत सॉल्व किया फॉर्मूला गलत लगा लिया गलती ना सो मैं तुम सही तरह दसदा
पर तो फॉर्मूला की लग रहा है 8a स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर, ये तो है कि सिंगल टर्म पता तो लग रहा है, आइडेंटिटी जी लगनी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगनी है, बट इतने की है दो टर्म्स हैं साढ़े को, तो कल ए का स्केयर लिखा है, एट का कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं पाई, तो दैट मीनस ए का भी कुछ होना चाहिए सी ना स्केयर। तो आप करीद मैं तुम दसिया कि जो तो ना पता हो किस चीज़ का स्केयर है, एट आपको पता नहीं ना किस चीज़ का स्केयर है, तो आप जस्ट की करना जी भी सन टर्म दी गई है वह स्केयर रूट कर लेना, एट ए स्केयर छड़ देना, स्केयर रखना जी भी टर्म दी गई स्केयर रूट कर लेना, एट के फैक्टर बनाओ तो ए के फैक्टर बनाओ, स्केयर रूट किमें करीदा पेयर बार क्ढी लिया, एक टू बार आ गया, एक ए बार आ गया, अंदर की रह गया कला रूट टू, तो दैट मीनस ये पहला आ सी जिन्होंने स्केयर करते एट ए स्केयर बन गया, ठीक है पहला की सी ए बाद बन गया वो इतों पता लगेगा स्केयर रूट करते उस टाइम का, तो दैट मीनस जो मैं एट ए स्केयर का स्केयर रूट किया मैं पता लग गया कि टू रूट टू ए सी ए पहला जिदा उन्होंने वो स्केयर किया तो उन्होंने एट मिले, तो माइनस इलेवन स्केयर वो तो कल टर्म ही एक ही उसका कोई चक्कर नहीं, इतने आइडेंटिटी पता लग रही है यूजिंग ए स्केयर माइनस बी स्केयर, उन्होंने लिखा हुआ है ए स्केयर माइनस बी स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू, अभी गलत है वो गलत है, हाँ ऐसे ही आइडेंटिटी ये यूज करो वो नहीं यूज करनी, ठीक है सो इट बिकम्स ए की इतना थोड़ा टू रूट टू ए पूरी टर्म ही है जितने स्केयर भी है, तो दूसरा बी की है कला इलेवन, सो वी गैट टू रूट टू ए का होल स्केयर माइनस इलेवन का स्केयर इज इक्वल टू टू रूट टू ए प्लस इलेवन ए टू रूट टू ए माइनस इलेवन, सो दिस इज आर आंसर, उन्होंने इवैल्यूएट यूजिंग आइडेंटिटी क्या ना आइडेंटिटी आप यूज कर ली इवैल्यूएट हो गया, एक दी एग्जाम्पल मैं तुम्हें होर करवाना जिम्मे नैक्सट क्वेश्चन है जरा सा 1007 इंटू 1004 कहते होना सिर्फ इन मल्टीप्लाई करना है पर सीधा नहीं करना यूजिंग आइडेंटिटी करना है, आइडेंटिटी यूज करके किमें करा देखो नियरेस्ट 1000 100 या 10 या इदा की है वो देखना नियरेस्ट 100 की 1000 है ना अपने को ठीक है इट इज नियर टू 1000 सो मैं लिखूंगा 1000 प्लस 7 ए भी नियर टू 1000 है यू लिखागा 1000 प्लस 4 पहली टर्म बराबर होगी उन्होंने दूसरी टर्म वक्री कि आइडेंटिटी होंगी है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वो की होंगी है एक्स स्केयर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी हेयर योर एक्स इज 1000 ए इज मैच करो 7 बी इज 4 पुट करिए वैल्यूज तो 1000 प्लस 7 इंटू 1000 प्लस 4 विल बिकम 1000 स्केयर प्लस ए की है 7 प्लस 4 इंटू एक्स की है 1000 प्लस 7 इंटू 4 सो इट बिकम जो 1000 स्केयर है 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 सो इट बिकम्स 10 लाख जीरो जिनियन ना डबल हो जाती है सिंपल दसा मैं तुम्हें 6 जीरो से 3 ने तो 6 हो जाएंगे स्केयर करन ते ठीक है जे 5 ने तो 10 हो जाएंगे 7 4 11 इंटू 1000 11000 बन गया है ना प्लस 28 सो इन्हें ऐड कर दिए 111028 सॉरी ये कितना आ रहा मेरा 5 टर्म्स सी गया हां 10 हां 1011028 दिस इज योर आंसर ठीक है इसी तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 308 ਐਂਡ 302 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ 308 + 8 ਲਿਖਣਾ ਇਹਨੂੰ 300 + 8 ਤੇ 300 + 2 ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 100 ਸੌਰੀ 1001 ਤੇ 998 ਇਹ ਨੀਅਰ ਟੂ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ 1000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਵੀ 1000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਬਟ ਇਹ 1000 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੈ 1000 ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੈ 1000 ਪਲੱਸ 1 ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ 1000 ਮਾਈਨਸ 2 ਇਹਨੂੰ 900 ਪਲੱਸ 98 ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ 1000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਲੱਸ 1 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ 2 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਬਰਾਬਰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ
आइडेंटिटी यही लगनी है, लगनी किवें है वो मैं तुम दसदा, देखो x प्लस ए इंटू x प्लस बी इज इक्वल टू तुम ऑलरेडी पता है, मैं तुम दसदा कि x की है, a की है, बी की है। x तुहाडा है 1000, a है तुहाडा, मैच करो प्लस प्लस साइन, मैच कर गया, a इज 1 ओनली, b की है इतने पॉजिटिव है, b इतने नैगेटिव है, फॉर्मूले च पॉजिटिव है उत्थे नैगेटिव है, तो b की वैल्यू -2 लवांगे। ठीक है, हुण मैं इहनूं फॉर्मूले दे विच जिवें मेरा फॉर्मूला सी इहदे विच मैं दोबारा जे फिर पुट कर देना, इत्थे पुट कर देना चलो, ठीक है, 1000 एंड -2 इत्थे पुट कर देना, इत्थे मैं 1 लिख देना -2, बाकी दा नोट कर लो, वैसे स्क्रीनशॉट लिया होना तुसीं ऑलरेडी, जे नहीं लिया तां लै लो, ठीक है, बैक करके माड़ा जिहा इत्थे वैल्यू चेंज करके तुहानूं दिखाउणा किद्दां होणी है, 1 -2 1 मल्टीप्लाई बाय -2, तो 1000 दा स्क्वायर तां आई होणा 1 लाख, 1 -2 किन्ना बन गया, 1 -2 -1 बन गया, -1 मल्टीप्लाई बाय 1000 -1000 बन जाएगा, अगे प्लस माइनस माइनस अगेन माइनस दा 2 बन जाएगा, सो इत्थे 1 लाख दे विचों 1000 2 माइनस करना है, बस 10 लाख दे विचों 1000 2 माइनस करना, तुहाडा आंसर आ जाएगा इस चीज का उत्ते कर दिता। ओके, तो ये क्लीयर हो गया तुहानू मेरे ख्याल दे विच, रह गए दो बार सोर, वो भी तुहानू मैं दस देना, बहुत ईजी है, ठीक है, 66 स्केयर माइनस 42 स्केयर कैडी आइडेंटिटी लग रही है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इतने ए की ताडा 64, मैं तां लिख रहा तुम अपने आप करनी है, ए की ताडा 66, बी की ताडा 42, पुट करना है तो आंसर कढ़ना है, ठीक है, तो राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, लैफ्ट हैंड साइड नहीं, राइट हैंड साइड पुट करके राइट हैंड साइड सॉल्व करनी, 66 प्लस 42, 66 माइनस 42 किन्ना होता है, जो भी आएगा मल्टीप्लाई दम एट द एंड, तो तुम ऑलरेडी अपने आप क्लीयर हो जाएगा। एक समझना मैं लास्ट पार्ट छड़िया है, दैट इज द एफ पार्ट, वो भी इदा चाहिए सेम, ये अपने आप करना है। ओके, इस तो बाद आएगी साढ़े को एग्जाम्पल जी नैक्सट, वो हैगी 20th एग्जाम्पल, वो किदा करनी है मैं तुम थोड़ा दस दिना, बाकी के क्वेश्चन जोड़े ने 7.5 एक्सरसाइज के जिन्हें हो सकते तुम आप करने हैं, मैं एक एक क्वेश्चन तुम्हें जरूर कराने की कोशिश करा, बाकी के क्वेश्चन तुम अपने आप करने की कोशिश करनी है, तो एक तारी प्रैक्टिस होएगी। ओके, सो इन नोट डाउन कर लो, लैट्स मूव ऑन टू द नैक्सट एग्जाम्पल, चलिए इस तरीके नैक्सट एग्जाम्पल जी अपनी एग्जाम्पल 20th वैसे 21 भी करा देंगे, ठीक है, 20th एग्जाम्पल जी ज़्यादातर सॉल्व करने वाली है, मैं तुम दस देंगे बस करना की है, ए पार्ट है जिहड़ा उहदे विच भी आइडेंटिटी यूज करके करना है, करना तो आप 101 का स्केयर ही है, बट आइडेंटिटी यूज करनी है, इट इज नियर टू 100, सो आई कैन राइट इट 100 प्लस 1, ये इहदे ते स्केयर दा ब्याह ही होया, सो ए प्लस बी होल स्केयर वाली आइडेंटिटी लग रही है, आइडेंटिटी वही यूज करनी है, एंड ए प्लस बी होल स्केयर वाली, दैट इज ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, ए वाली आइडेंटिटी यूज करके तुसीं आंसर कढ़ना है। ओके, इसे तरीके नाल जिहड़ा नैक्सट पार्ट है उहदे विच भी 68 दा स्केयर दित्ता है, 60 प्लस 8 लिख लो, चाहे 70 माइनस 2 लिख लो, दैट इज योर चॉइस, ठीक है, दोनों तरीके नाल कर सकते हो, 68 दा स्केयर तुसीं 60 प्लस 8 दा होल स्केयर भी कर सकते हो, और यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑलसो, 70 माइनस 2 दा होल स्केयर, इत्थे लाओगे तो ए प्लस बी होल स्केयर दा फॉर्मूला लगेगा, इदा करोगे तो ए माइनस बी होल स्केयर दा फॉर्मूला लगेगा, आंसर दोनों किसे से सेम आएगा। ओके, जिहड़ा दा थर्ड पार्ट है वो देखो 4.2 मल्टीप्लाई बाय 3.8, ठीक है, इदा के क्वेश्चन देखो 4 तो 0.2 अगे ते 4 तो ही 0.2 पिछे, पता लग रहा ना, 4 प्लस 0.2 है आ 4.2 है जिहड़ा, ते ए की है 4 दे विचों 0.2 माइनस च है, मतलब पहली वाली टर्म जिहड़ी है बराबर रखने की कोशिश करनी हमेशा हरेक आइडेंटिटी लाने दे लगे लाने वेले। ओके, ते हुण देखो मैं जो पहली वाली टर्म बराबर की दूजी भी अपने आप बराबर आ गई, सो केड़ी आइडेंटिटी बन दी, एक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो की होंगी है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, मतलब कि तुम 4 का स्केयर तो 0.2 का स्केयर करना है, मैं कर ही दिना 4 का स्केयर की होंगे 16 तो माइनस सॉरी 0.2 का स्केयर 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 2 का तो सूँ पता ही है 4 होंगे, ठीक है ना, 2 आर 4 ही होंगे, पॉइंट तो बाद देखो किन्ने नंबर ने 2 ने, सो आप लिखा 0.04, सो 16 के 0.04 माइनस कर दो
ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 15.96। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਦਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਗੈਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਿਖਣਾ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 21 ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 21 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੈ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 4xy ਪਲੱਸ 4y ਸਕੇਅਰ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੈਨ ਐਕਸ ਇਜ਼ 1 ਐਂਡ ਵਾਈ ਇਜ਼ 2। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਫੋਰਮ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 ਐਕਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1, ਮਤਲਬ 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2, 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1, 4 2 ਦਾ 8 ਪਲੱਸ ਇਨਟੂ 1 ਬਿਕਮਸ 8 ਓਨਲੀ, 4 ਇਨਟੂ 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 4, 1 ਪਲੱਸ 4 ਫੋਰ 16, 1 ਪਲੱਸ 8 ਪਲੱਸ 16 ਦੈਟ ਬਿਕਮਸ 25, ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਆਰ ਆਨਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਡੈਂਟੀ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫੀਕਲਟ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ 1 ਕੁਐਸਚਨ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 7.5 ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਬੀ ਪਾਰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਫ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਫ ਪਾਰਟ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਪਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਫ ਪਾਰਟ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਫੀਕਲਟ ਲੱਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਬਰਾਬਰ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ, ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਵੀ ਬਰਾਬਰ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਅਸਲ 'ਚ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕਮਿੰਗ ਦਿਸ 4 ਸਕੁਏਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਆਈਡੈਂਟੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਆਈਡੈਂਟੀ ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਹੋਲ ਸਕੁਏਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ 2 ਏ ਬੀ ਪਲੱਸ ਬੀ ਸਕੁਏਅਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੇਅਰ ਏ ਕੀ ਹੈ, ਆਹ ਪੂਰੀ ਟਰਮ ਇਹ ਏ ਹੈ, 4 ਪੀ ਵਾਈ 3, ਅਤੇ ਬੀ ਕੀ ਹੈ ਆਹ ਪੂਰਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 2/5 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4/3 ਦਾ ਪੀ ਦਾ ਕਿਊਬ, ਸੋਰੀ ਸਕੁਏਅਰ, ਕਿਊਬ ਲਿਖਤਾ ਸਕੁਏਅਰ, ਆਊਗੀ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਊਬ/5 ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਤਿੰਨੋਂ ਟਰਮਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਕੇਅਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, 4 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 16, ਬੀ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪੀ ਸਕੇਅਰ, 3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 9। ਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਹੈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਖੋ ਕਟਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, 5d3 4 ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਿੱਧਾ ਲਿਖੋ 4 2s 8, 5 3s ਨੀਚੇ 15, p(q) ਬਿਕਮਸ pq, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ q ਦਾ ਸਕੇਅਰ q² 5 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 25। ਸੋ ਕੁਛ ਵੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਕਸ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖੀਏ, ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੀ ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2p/3 -12 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ। ਇਹ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਏ -b ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏ ਸਕੇਅਰ -2ab +b ਸਕੇਅਰ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਏ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਪੂਰਾ 2p/3, ਅਤੇ ਬੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ 12, ਸਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਲਿਖਿਓ।
क्योंकि ये एक टर्म नहीं है तो मैं ब्रैकेट पाके स्केयर लिखूंगा, ऑलरेडी तो मैं दस्या सी। और देखो आप पूरी एक टर्म है, इतने देखो कटिंग हो सकती है 2 दी 3 ना नहीं 2 3 दी 12 ना तो और ये 3 4 दा 12 बस, ठीक है। तो ये कटिंग करनी जरूरी है, 2 दा स्क्वायर 4 p स्क्वायर 9 3 दा स्क्वायर 9 2 टू दा 4 4 4 दा 16 कल्ला p है 16 p 12 दा स्क्वायर की हुंदा है 144। सो दिस इज आवर आंसर। जे भाई जान साडा कोई आंसर नया इथे जो कर रहा पीछे मैच नहीं कर रहा बुक दे नाल तुसी मेनू पूछो, आई विल चेक इट कि तुहाडा सही है कि मेरा सही है, ठीक है। तो आपां ओह देख लांगे या बुक वाले ने बुक वाले काफी गलतियां कीतियां होईयां, हो सकदा उहनां दा गलत होवे, सो तुसी मैच करके जरूर देखना, ठीक है। दो पार्ट्स मैं करवा दित्ते, थर्ड क्वेश्चन दा एक पार्ट कर दियां, उस तों बाद रीडिंग करांगे एंड। इहनूं तुसी नोट डाउन कर लो, मैं थोड़ा साइड ते हो जाणा, स्क्रीनशॉट ले लो। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ। थर्ड सम, वैसे तां सारे सम्स ईजी ने, बट मैं तुहानूं दस देना वी किहड़े किहनूं किदां एक्सपैंड करना ते किहड़ी आइडेंटिटी लगनी है, ठीक है, ताकि तुहानूं आइडेंटिटी लाउणी सौखी हो जाए। आइडेंटिटी की प्रैक्टिस होनी जरूरी है। 107 1007 एंड 993 दे आर क्लोज टू 1000, सो अपन 1000 प्लस 7 लिखांगे ते इनू 1000 चो माइनस 7 करके 993 आया। आइडेंटिटी तुसी देख सकदे बड़े आराम नाल केड़ी लगनी है, अपने आप तुसी आइडेंटिफाई करना है। इहदा बी पार्ट है जिहड़ा 78 एंड 82 दे आर बोथ नियर टू 80, 80 दे नेड़े ने। टेंथ वाली टर्म जी देखनी थी कि टेंथ वाली या हंड्रड वाली या थाउजेंड वाली नेड़े केड़े ने। सो दिस इज 80 माइनस 2 एंड दिस इज 80 प्लस 2, सेम वही आइडेंटिटी लग रही है उपर वाली, इतने लगेगी बस कोई फर्क नहीं पता, प्लस वाली टर्म पहला माइनस वाली बाद च है, ये अपने आप तुसी आइडेंटिफाई करना। अगे 88 स्केयर माइनस 12 स्केयर, ये ऑलरेडी पता लग रहा है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी, वही मतलब हाँ ही आइडेंटिटी का उल्ट लगन वाली इतने, ठीक है। पार्ट 499 का स्क्वायर नियरेस्ट 100 प्लेस केड़ी है 500, इनो अपन लिख सकते हैं 500 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। इसी तरीके नाल 103 इनटू 96, 100 प्लस 3 ते इनू लिख सकदा मैं 100 माइनस 4 ए x प्लस a इनटू x प्लस b वाली फॉर्म आइडेंटिटी, ते b दी वैल्यू नेगेटिव लेनी है क्योंकि आइडेंटिटी विच पॉजिटिव हुंदी है ना, तो इत्थे दी b दी वैल्यू माइनस 4 लेनी, a दी वैल्यू 3, आइडेंटिटी फोर्थ वाली यूज करनी है। उस तों अगे आंदा f पार्ट 256 दा स्क्वायर, ए मैं करा दिंदा, इट बिकम्स 250 प्लस 6 दा होल स्क्वायर, इनू इदां ले लेना, ठीक है। पता लग रहा है इतने ए प्लस बी होल स्केयर वाली आइडेंटिटी लग रही है, ए स्केयर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्केयर, इतने ए की ताड़ा 250 बी की है 6, मैं राइट हैंड साइड पर इसे लिखने लगा 250 का स्केयर प्लस 2 इंटू 250 इंटू 6 एंड इतने आ जाएगा 6 का स्केयर, तो ये बन जाएगा 62500 एदा स्क्वायर 250 दा, ए 250 इनटू 2 दैट इज 500 प्लस 500 इनटू 6 दैट बिकम्स 3000, 66 आर 36, ठीक है। इट बिकम्स 655 36 ये आंसर आ गया, ठीक है। एफ पार्ट मैं करवाता, इस तों अगला जी एच ते आई पार्ट, ए बस तुसी आइडेंटिफाई करो किहड़ी आइडेंटिटी लग रही है, ये अपने आप करने बाकी दे पार्ट। सो अज दी वीडियो इत्थे ही आपां खत्म करदे आं, इहनूं तुसी स्क्रीनशॉट लै लो सारा ते इहनूं तुसी नोट डाउन कर लैणा कॉपी दे, जिन्ना हो सके प्रैक्टिस आप करो, जिथे भी दिक्कत आंदी है बिल्कुल भी घबराना नहीं, तुसी मैनूं नंबर ते मैसेज करके पुछ सकदे हो या फिर जूम मीटिंग आपां लगाने होने जिहड़े बच्चे उहनां दे नाल आपां डिस्कस कर सकदे। सो इस तरीके मेरे ना बने रहना, मेरी वीडियो जिन्ना हो सके शेयर करो, जिन्ना हो सके मैंने सपोर्ट करया करो, मैक्सिमम अपने लाइक्स करया करो, कमेंट्स करया करो अच्छे अच्छे, ताकि एप्रीसीएशन टीचर नूं मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच ऑल द व्यूअर्स एट द एंड, इस तरीके फॉलो करते रहो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।